पॉपुलर वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन के बाद गूगल और एप्पल ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से इसे हटा लिया है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में, पबजी भी बैन हो रहा है कई जगहों पे, विच इज़ बैड न्यूज़। तो इंडिया के यंगस्टर्स काफ़ी ऑब्सेस्ड थे टिकटॉक ऐप को लेकर के, हमने तो कभी ये यूज़ किया नहीं, तो ये जानने के लिए कि आखिर ये इतने ऑब्सेस्ड क्यों है और क्या इस बैन का कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं, मैं और मेरा दोस्त सिराज एक मॉल में गए पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए, यानी रैंडम लोगों के इंटरव्यू लिए हम लोगों ने, और ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, एकदम इंटरेक्ट करने में लग जा रही है हम लोग की अच्छे से, लोग दे नहीं रही है इंटरव्यू। तो गाइस हम लोग बहुत देर से और कुछ घंटों से पब्लिक ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदर चला गया है, क्या बात, माइक भी अंदर चला गया ये दिख रहा है आपको माइक। बस बहुत देर तक खोज करने के बाद फाइनली हमें एक टिकटॉक यूज़र मिला है जो कि इंटरव्यू के लिए रेडी है। हम लोगों ने टोटल 5 लोगों के इंटरव्यू लिए, यानी 5 लोग इंटरव्यू के लिए राज़ी हुए, अप्रोच तो हमने काफ़ी को किया था, और इन 5 लोगों में से 3 लोगों का ये मानना है कि ये गलत है, क्योंकि टिकटॉक बहुत अच्छा ऐप है, उधर से बहुत सारा मतलब जो इंसान को कोई नहीं जानता था, सब इंसान अपने बाहर आ रहे हैं अपने हुनर के साथ, टैलेंट के साथ। नहीं, ये सही नहीं, गलत है। लेकिन टिकटॉक जो निकला वो आम मतलब टाइम भी करता है देख के, मजे भी आता है। आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट इवन अगेंस्ट ऑफ इट, आई एम नॉट इवन इन फेवर ऑफ इट, ठीक ही है। जो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं उनके लिए तो सही है, और जो मतलब ओवर रिएक्ट करते हैं उनके लिए थोड़ा गलत है, इसलिए उन लोगों को अच्छा लगता है, मुझे नहीं। वेल टिकटॉक लोगों को अच्छा लगता है ये तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया, पर एक चीज़ तो क्लियर थी इन इंटरव्यू से कि दे डोंट गिव अ डैम अबाउट द बैन। क्या आप टिकटॉक यूज़ करती हैं? जी करती हूँ। बैन होने के बाद भी? जी। तो टिकटॉक बैन होने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन मेरा तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे पास ऑलरेडी टिकटॉक है। तो आपके फ्रेंड्स तो टिकटॉक यूज़ करते होंगे? उन लोग तो फैंस है पूरा, टिकटॉक का स्टार है, उन लोग एवरीडे बनाते रहते हैं। तो टिकटॉक बैन होने के बाद भी क्या वो लोग टिकटॉक अभी भी यूज़ करते हैं? हाँ यूज़ करते हैं, शायद अभी भी फ़ोन में है, हाँ, पर गूगल में तो सर्च करने से नहीं आता है। हाँ अभी भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसका फ़ोन में इंस्टॉल है, तो अब तक बैन नहीं हुआ फ़ोन से। इट्स नॉट अबाउट पबजी या टिकटॉक, जब भी गवर्नमेंट किसी चीज़ को बैन करती है तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट मैसिव एक्शन ले रही है, पर क्या बैन्स का कोई फ़ायदा होता है? अगर हम ड्रग्स का एग्जांपल, तो किसी भी जगह पर अगर ड्रग्स बैन होती है, चाहे वो गुजरात हो या फिर US, तो इनिशियली ज़रूर ड्रग्स का कंजम्पशन लो होता है, पर जैसे जैसे ड्रग्स का ट्रेड अंडरवर्ल्ड में मूव होता है, वैसे वैसे ड्रग्स का कंजम्पशन वापस से बढ़ जाता है। सिमिलरली टिकटॉक भी गूगल प्ले स्टोर से तो हटा दिया गया, पर ईजिली किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में वो मिल सकती है, या फिर उसके अल्टरनेटिव्स भी कई सारे हैं। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है।